दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर ले और पाए दुनिया भर की रोचक खबरें फटाफट। थैंक यू। 91 साल के हेफन का उनके घर प्लेबॉय मेंशन पर निधन हुआ। उनकी मौत के वक्त भी प्लेबॉय 43 मिलियन डॉलर की कंपनी है। प्लेबॉय मैगजीन की शुरुआत 60 साल पहले 1953 में हुई थी। ये मैगजीन अपने कॉन्टेंट को लेकर पुरुषों के बीच काफी लोकप्रिय है। हेफन को हेफ के नाम से भी जाना जाता है। बीत कुछ दिनों से बीमार होने के चलते वह लाइमलाइट से दूर थे। अगस्त में प्लेबॉय के सालाना प्रोग्राम से भी वह दूर रहे थे। रेड स्मोकिंग जैकेट और मुंह में पाइप हेफन की पहचान थी। अमेरिकी बिजनेसमैन और एडल्ट मैगजीन के पब्लिशर ह्यू हेफन ने क्रिस्टल हैरिस के साथ 31 दिसंबर 2012 को एक निजी समारोह में शादी की थी। उस समय हेफन 86 और हैरिस 26 साल की थी। उनकी ये तीसरी शादी थी जो काफी चर्चा में रही थी। हेफनर ने एक ऐसा ब्रांड तैयार किया जिसने 20वीं सदी के आखिरी 5 दशकों के लिए सेक्सुअल कल्चर को न सिर्फ परिभाषित किया बल्कि उसे नई दिशा दी। यह मैगजीन आर्टिकल्स के अलावा खूबसूरत महिलाओं के लिए हमेशा जानी गई। हेग हेफनर अपनी दिलफेक अदा और कई अफेयर के चलते सुर्खियों में भी रहे। कहा तो ये भी जाता है कि उनका एक्ट्रेस और मॉडल से संबंध भी रहे। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार हेफनर ने कहा था कि उनके कितने महिलाओं से संबंध है उन्हें याद नहीं, इसलिए उन्होंने अब गिनती करना बंद कर दिया है। लाइक कॉमेंट शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़।